बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार शौक का कोई मोल नहीं होता है, ये अक्सर हमने सुना है और ये हकीकत बात है। जिस बंदे को जिस चीज़ का शौक हो उसका फिर कोई मूल नहीं होता है। यानी कि किसी बंदे को कबूतर का शौक है तो वो कबूतर आप इतना सा कबूतर होता है वो 100 रुपये का भी मिल जाता है, 500 रुपये का भी मिल जाता है, और मैंने देखा है जी 2-2 लाख 3-3 लाख में भी कबूतर सेल होता है। मुर्ग मैंने देखे हैं जो लड़ाई वाले होते हैं, आम देसी ले लें आपको 500, 1000, 2000 के अराउंड में मिल जाएगा। जो लड़ाई वाला मैंने देखा है 1.5-2-3 लाख तक का सेल होता। ये होता है शौक का मोल नहीं है, इस चीज़ को बोलते हैं। तो सऊदी अरेबिया में भी 2 ऊंट भाई बेचे गए हैं। एक पहला जिसका नाम नौफ है जी, सिर्फ 2 साल इसकी उम्र है, 10 लाख रियाल में ये बेचा गया है। क्यों भाई? ये ताइफ में एक रेस हुई है पिछले दिनों में, पूरी दुनिया से ऊंट आए हुए थे वहां पर। आपको पता ही अरब ऊंटों की रेस करवाते हैं, तो वहां का ये विनर रखा, यानी कि वहां पर इसने बेस्ट टाइम परचेस किया है। तो उस चीज को देखते हुए इसकी भाई 10 लाख रियाल कीमत लगी है और ये बेच दिया गया है। उसके अलावा एक दूसरा जो कि भाई ती अल अमामा, इसको 3 लाख रियाल में सेल किया गया है। दौड़ के लिहाज से ये भी बहुत बेस्ट माना जाता है। तो इसको भाई 3 लाख रियाल में तकसीम किया बेचा गया है सॉरी। तो सऊदी अरेबिया में भी भाई ऐसे होता है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान या इंडिया में कबूतरों के और मुर्गों के रेट वगैरह काफी आपने देखे होंगे, आप देखकर सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में अगर भाई कबूतर और मुर्गबाजी का शौक नहीं है तो यहाँ पर इसकी रेस होती है घोड़ों की, ऊंटों की। तो अभी देख ले, एक ऊंट है जी 10 लाख रियाल में, 10 लाख रियाल में मेरे हिसाब से तो 20 या 20 नहीं तो 15 ऊंट आ जाएंगे यार। तो लेकिन एक ऊंट की कीमत लगी है 10 लाख रियाल। क्यों भाई? 2 साल हालांकि इसकी उम्र है, दौड़ता है भाई, शौक का कोई मोल नहीं होता है।